बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो आज जो है वो हम बहुत ज़बरदस्त और कमाल की जो है वो रेसिपी बनाने जा रहे हैं। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमने देख के में जो है वो सबसे पहले तकरीबन 1.5 पाव के करीब ऑयल जो है वो डाल लिया है और उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया है। बाद में जो है वो तकरीबन एक जो है वो 1 kg चिकन हमने जो है वो डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपने जो है वो इसको डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होने तक आपने फ्राई करना है। बाद में आपने चिकन को जो है वो निकाल लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 से 2 मिनट हुए हैं, मीडियम फ्लेम पर जो है वो हमने इसको फ्राई किया है। तो चिकन का कलर जो है वो काफ़ी हद तक हमारा चेंज हो गया है। आपने शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले चिकन को जो है वो निकाल लेंगे और इसी घी में जो है वो हम प्याज को जो है वो फ्राई कर लेंगे। आपने जो है वो घी को निकालना नहीं है, बल्कि इसी में से जो है वो इसी घी में आपने जो है वो प्याज को फ्राई करना है। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन 4 जो है वो दरमियाने साइज़ के प्याज जो है वो काट के हमने देख के में जो है वो डाल लिए हैं। तो हम जो है वो इसको ब्राउन होने के लिए रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह जो है वो प्याज ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच जो है वो भर के इसमें डाल देंगे। आप जो है वो ग्राइंडर में भी डाल के जो है वो इसको ग्राइंड कर सकते हैं और कुंडी डंडे में भी जो है वो कर सकती हैं। ये जो है वो हमारे पास जो है वो ये खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने धरा मिर्च का लिया है, 2 चम्मच जो है वो हमने लिए हैं इसमें नमक के, 2 चम्मच जो है वो हमने इसमें लिए हैं गरम मसाले के, 2 कड़ी पत्ता और 3-4 जो है वो लौंग लिए हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है वो हम अब यहाँ पर जो है वो हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 4 जो है वो टमाटर डाल देंगे कटे हुए और इसको जो है वो हम कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि जो है वो मसाला जो है हमारा रेडी हो जाए। अब यहाँ पर ढक्कन देकर रख देंगे ताकि हमारे जो प्याज और हमारी जो हमने टमाटर डाले थे वो नरम हो जाएं। तो यहाँ पर जो है वो हमने 1 जो है वो लेमन डाल दिया है काट के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें डाल देंगे जी चिकन। चिकन जो है वो हमने शैलो फ्राई किया हुआ था, ये हम डाल देंगे इसमें और चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे अच्छी तरह। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको कंप्लीट रेसिपी का पता चल सके। ढक्कन देकर रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे जी 1 कप दही का। दही जो है वो आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, फेंट के जो है वो आपने इसमें डाल देना है। बहुत ज़बरदस्त कमाल की सिंपल सी रेसिपी है, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 kg जो है वो हमने आज चिकन पुलाव बनाना है और पानी जो है वो हमने इसमें डाला है 2.5 किलो जो है वो आपने इसमें पानी डाल देना है। तो अभी हम जो है वो इसको चेक कर लेते हैं कि मसाले वगैरह बिल्कुल परफेक्ट हैं या थोड़ी सी कमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो मसाले बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पर आपने इसको ढक्कन देकर रख देना है मीडियम फ्लेम पे। जब पानी को जोश आना शुरू हो जाए फिर हम इसमें जो है वो चावल वगैरह और मज़ीद चीज़ें डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं और पानी को जो है वो जोश आना बॉयल आना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम डालेंगे जी ये सुपर जो है वो चावल है और चावल को जो है वो तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए भिगो के जो है वो रख देना है। ये सुपर चावल है, सुपर चावल के लिए जो है वो तकरीबन 1 घंटा जो है वो दरकार होता है। तो हमने जो है वो 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। तो अभी जो है वो आपने मीडियम फ्लेम पे ही जो है वो चम्मच की मदद से इसको हिला लेना है और पानी जो है वो हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर आके हम इसको लगा देंगे जी दम। और दम लगाने के लिए जो है वो आपने कोई भी कपड़ा ले लें, कपड़ा लेके जो है वो आपने नीचे कपड़ा रख देना है, ऊपर जो है वो ढक्कन देकर कम से कम आपने 20 मिनट के लिए जो है वो दम लगा के रख देना है लो फ्लेम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा जो है वो दम लग गया है और 20 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा चिकन पुलाव कैसा बना है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें एक एक दाना अलग अलग है और कितना ज़बरदस्त और प्यारा जो है वो हमारा चिकन पुलाव रेडी हुआ है। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी आपको ज़रूर जो है वो पसंद आएगी। फीडबैक से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो अभी जो है वो हम इसको कर लेते हैं जी डिश आउट एक प्लेट में। तो लीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चिकन पुलाव रेडी है। घर पर बनाएं, अपनी आंखों के सामने बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, ताकि आपको पता हो कि आप एक अच्छी और म्यारी चीज़ खा रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा होगा, वहाँ जाकर जो है वो DM कीजिएगा। अगर आपको किसी भी रेसिपी का पता ना चले या आपने किसी भी रेसिपी का पूछना हो तो आप वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो जनाब सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।